अगेन आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम अगेन स्टेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो पाठ चल रहा है उसका नाम है प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, तो आज ही सभी लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आपके पास आगे का जो पाठ है, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। गुड इवनिंग बेटा मनोज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा विशाल। सुधीर बेटा सब करवा दिया, सब करवा दिया, अभी स्टार्ट ही किया, बस ये लिख ही रहे हैं अभी, तो वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, जल्दी से आ जाए। गुड इवनिंग बेटा सरफराज, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर जो स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग बेटा लोकेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, कर दे अभी स्टार्ट बाकी। ठीक है चलो बेटा, तुम ही लोग हो जो कमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर कुछ कंडीशन जिनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन है जिनको हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये तीन कंडीशन होती है। पहला जो कंडीशन है उसे बोला जाता है आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोला जाता है आपके पास? इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, दूसरी जो आपके पास कंडीशन है उसे कहा जाता है आपके पास, उसे कहा जाता है आपके पास, ठीक है, कोलैप्स मैकेनिज्म। कहा जाता है क्या? कोलैप्स मैकेनिज्म, कोलैप्स मैकेनिज्म कंडीशन, कोलैप्स मैकेनिज्म कंडीशन। और जो आपके पास तीसरी कंडीशन है यहां पर, तीसरी कंडीशन है उसे कहा जाता है यील्ड कंडीशन। कहा क्या कहा जाता है? यील्ड कंडीशन। तो मतलब बेटा यहां पर क्या बात क्लियर होती है कि प्लास्टिक एनालिसिस में टोटल कितनी थ्योरीज यूज की जाती है? तीन, इक्विलिब्रियम कोलैप्स एंड यील्ड। ओके, कितनी यूज की जाती है? तीन, इक्विलिब्रियम कोलैप्स और यील्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, पहले इसको नोट करो, फिर मैं एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि तीनों कंडीशन कौन सी होती है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा देवकरण, गुड इवनिंग। बना लिया सभी ने? चलो, पहली जो कंडीशन है, पहली जो कंडीशन है जिसका नाम आपके पास वहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाम क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन
आप अपने इंजीनियरिंग टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप इसको अभी भी नहीं भूलते। क्या कहती है इक्विलिब्रियम कंडीशन? ये सिंपल सा आपके पास तीन कंडीशन देती है कि समेशन ऑफ एक्स फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। जो समेशन ऑफ आपके पास एफ वाई फोर्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जीरो के। और समेशन ऑफ आपके पास जो एफ जेड होगा वो भी बेटा किसके इक्वल होगा, जीरो के। क्लियर? क्या बेटा डिपेंड ऑन यू कि ये लास्ट क्लास होगी या नहीं, ठीक है? डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि आज मैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप उनको जल्दी से पकड़ लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, सेकंड जो आपके पास कंडीशन है उसे कहा जाता है आपके पास, उसे कहा जाता है आपके पास कोलैप्स मैकेनिज्म, कोलैप्स मैकेनिज्म कंडीशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोलैप्स मैकेनिज्म कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहना चाहता है, जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहां पे कोलैप्स आ रहा है, तो मतलब जब आपके पास इस कंडीशन से, ठीक है, तो नाम क्या है, कोलैप्स मैकेनिज्म। कोलैप्स मैकेनिज्म क्या कहना चाहता है कि जब ये कंडीशन आपके पास अप्लाई होगी, जब ये कंडीशन स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होगी तो आपका मेंबर कोलैप्स हो जाना चाहिए, तभी इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोलैप्स मैकेनिज्म कंडीशन। क्लियर? क्या जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाना चाहिए, तो ये कहता है कौन, कोलैप्स मैकेनिज्म कंडीशन। क्लियर? तो क्या कहते हैं इसके अंदर, एट दिस कंडीशन सफिशियंट number of plastic in must be developed, so that a part or entire part, a part or entire part must be leading to collapse। क्या कहना चाह रहा है राजवीर बेटा, बताए तो सही आपको, ये रहे राजवीर बेटा, ये रहे नंबर। क्लियर? हाँ तो बोल दो बेटा। लो सुदीप ने भी लिख दिए। तो मैं क्या कह रहा था कि कोलैप्स जब लगेगा तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, तो यहीं पर क्या कह रहा है, इस कंडीशन के ऊपर प्लास्टिक हिंज बनेगा ही बनेगा, प्लास्टिक हिंज बनेगा ही बनेगा, मतलब मस्ट बी डेवलप। कहता है कि जब वो बनेगा तो या कोई पार्ट या फिर कंप्लीट पार्ट वो आपके पास क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर? क्या तो
तो मतलब जब भी कोलैप्स कंडीशन आपके पास आएगा तो स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टिक हिंज बनेगा एंड दूसरी बात वो कोलैप्स होगा। क्लियर हो गई सेकंड कंडीशन कि कोलैप्स मैकेनिज्म कंडीशन क्या कहना चाहता है। नोट करो फिर इसको, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं कंडीशन नंबर थर्ड की तरफ। नोट करिए इसको, चलिए तीसरे कंडीशन पे चलते हैं फिर, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो है उसे बोला जाता है आपके पास क्या, यील्ड कंडीशन। क्या बोला जाता है, यील्ड कंडीशन कहना चाहता है। बेटा जो यील्ड कंडीशन है वो कहां पर वैलिड होती है मुझे एक बार दोबारे बताओ। मैंने आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपके पास यील्ड कंडीशन होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वो वैलिड कहां पर होती है मुझे एक बार बताओ, किस पॉइंट पर वो वैलिड होती है। देखते हैं अभी भी आपको याद है या नहीं, बताओ। फुल्ली मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेक्शन, बताइए बेटा कहां पर होती है। डक्टाइल, नहीं ना, गलत। कहां पर, सी पॉइंट पर। सी भी कौन सा, अपर या लोअर। सी पॉइंट कौन सा, अपर या लोअर, लोअर पॉइंट, बिल्कुल सही। तो मतलब जो आपके पास यील्ड कंडीशन होगी वो कहां पे वैलिड होगी, लोअर यील्ड पॉइंट पर। तो बताइए तो क्या इस पॉइंट पर आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा क्या। बेटा मुझे ये बताइए जहां पे यील्ड कंडीशन होती है लोअर यील्ड पॉइंट पर क्या स्ट्रक्चर वहां कोलैप्स हो जाएगा, नहीं वहां पे कोलैप्स नहीं होता। बट वहां पे कैसा हो जाएगा, बट बेटा वहां पर कैसा हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा नॉन सर्विसेबल, मतलब मेंबर फेल नहीं होगा बट मेंबर अनसर्विसेबल जरूर हो जाएगा। तो मतलब जब ये कंडीशन अप्लाई होगी स्ट्रक्चर पर, जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो एक्सीड नहीं करेगा, वो एक्सीड नहीं करेगा फुल्ली मोमेंट से, जो क्या होता है एमपी। मतलब कोलैप्स में तो एमपी से ज्यादा होकर स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा, जबकि यील्ड कंडीशन के अंदर जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, प्लास्टिक से कम होगा। क्लियर, क्या क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार गेट का, वो भी दो नंबर का, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। और उसका आंसर तुम भी दे दोगे अब इन तीन कंडीशन को पढ़ने के बाद में, आप भी आंसर दे दोगे। अब देखो जो आपके पास कोलैप्स लोड है, ठीक है, जो आपके पास कोलैप्स लोड है वहां पर आंसर आ रहा था आपके पास, वहां पे आंसर आ रहा था 2/9 डब्ल्यू एल। तो मैं अगर कहता हूं कि ये कोलैप्स लोड है, ये आपके पास कोलैप्स लोड है, तो बताओ, ठीक है, ये बताइए जो कोलैप्स कंडीशन होगी, जो कोलैप्स कंडीशन होगी
उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या होगी? ये तो कोलैप्स लोड हो गया, तो कोलैप्स कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या होगी? इक्वल ग्रेटर या लेस? इक्वल ग्रेटर या लेस बताओ? ग्रेटर होगी तो मतलब साइन कुछ ऐसे आएगा या इसके इक्वल आएगा, या ग्रेटर आएगा इक्वल आएगा। और यहां पे जो आपके पास यील्ड कंडीशन होगी, जो आपके पास यहां पे यील्ड कंडीशन होगी, उसके लिए आपके पास यहां पर जो कंडीशन आएगी वो इक्वल आएगी, लेसर आएगी, या फिर आपके पास ग्रेटर आएगी, लेस आएगी। तो मतलब यहां पे आपके पास लेस होगा या कम होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, बस ये लोड निकालना था। ये लोड अभी आप बता दोगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप ये लोड भी आप आराम से निकाल लोगे। और आपके पास ये कंडीशन पता होना चाहिए कि कोलैप्स के लिए ज्यादा होती है और बराबर होती है, और यील्ड के लिए कम होती है बराबर होती है। क्लियर? क्या सिर्फ ये क्वेश्चन आपके पास आया था, वो भी दो नंबर का? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं आगे, ठीक है? If all the three condition are satisfied, if all the three condition are satisfied, then we will get a, we will get a unique solution, get a unique solution, get a unique solution with the lowest value of collapse load। जब ये तीनों कंडीशन को आप यूज करोगे, जब आप इन तीनों कंडीशन को आप यूज करोगे, तो जो आपके पास लोवेस्ट वैल्यू आपके पास आएगी, उससे बेटा क्या बोल दिया जाएगा? कोलैप्स लोड। मतलब अगर आपके पास कहीं पर यहां पे जो कंडीशन है वो अगर आपके पास दो से ज्यादा, एक से ज्यादा आती है, तो आप दो जगह से अलग अलग लोड निकालोगे और उन दोनों लोड को कंपेयर करोगे कि कौन सी वैल्यू कम वाली है, और जो कम वाली होगी वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? कोलैप्स लोड कहलाएगा। क्लियर? याद रखना, दो अलग अलग जगह से लोड निकाला जाता है और जहां से कम आती है वो आपके पास क्या रहती है? कोलैप्स वैल्यू कहलाती है। ठीक है? कंप्लीट होता है बेटा सरफराज, कंप्लीट। मैं ये कह रहा था कि दो जगह से, मतलब आप एक लोड तो निकालोगे यहां से और एक लोड निकालोगे यहां से, जो भी मिनिमम आएगा वो कहलाएगा तुम्हारे पास कोलैप्स लोड। दो जगह से लोड निकालोगे और जो मिनिमम आएगा वो क्या कहलाएगा? कोलैप्स लोड कहलाएगा। क्लियर? हाँ सुधी बेटा, अभी बता रहा हूं, अभी रुकिए। तो कोलैप्स कंडीशन क्या कहती है? कोलैप्स कंडीशन कहती है कि जब आपके पास ये मैकेनिज्म लगेगी तो बेटा वहां पर आपके पास प्लास्टिक हिंज बनेंगे, मतलब आपका स्ट्रक्चर वहां पे फेल हो जाएगा, या तो कोई पार्ट उसका फेल होगा या फिर आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ये कहता है कोलैप्स कंडीशन। ठीक है? कोलैप्स कंडीशन क्या कहता है
कि जब ये लोड लगेगा या तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा या फिर पूरा कोई पार्ट फेल होगा उसका, ठीक है। मतलब नाम में देखो कोलैप्स आ रहा है, तो मतलब जब ये कंडीशन अप्लाई होगी ना तो मेंबर फेल होगा ही होगा, ठीक है। बना लिया, हाँ अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा तब समझ जाओगे। राजीव बेटा पीछे वाली क्लास नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगा? प्लास्टिक एनालिसिस के लिए तो सिर्फ इसी की क्लास देख लेना, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इवन आपके गेट के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, मैं कह सकता हूँ आपको, आपके इवन गेट तक के क्वेश्चन आपके हो जाने वाले हैं इस क्लास से, प्लास्टिक से रिलेटेड। तो बाकी के लिए तो आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा रहेगा, क्वेश्चन तो तब भी आपके हो जाएंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ, बट आप उसको करोगे तब क्वेश्चन तो आपके तब भी हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरम की, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरम की। देयर आर टू थ्योरम इन इन द प्लास्टिक एनालिसिस, इन द प्लास्टिक एनालिसिस देयर आर टू थ्योरम इन प्लास्टिक एनालिसिस। एक जो थ्योरम आपके पास होती है इसे बोला जाता है आपके पास अपर बाउंड थ्योरम। क्या कहा जाता है? अपर बाउंड थ्योरम। और इसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपके पास एग्जाम में आता है यही नाम जो आता है, कैसे? काइनामेटिक थ्योरम। तो याद रखना, जो अपर बाउंड थ्योरम है इसी को क्या बोलते हैं? काइनामेटिक थ्योरम कहते हैं। तो सेकंड आपके पास थ्योरम है, उसका नाम आपके पास आता है कैसे? उसका नाम आता है आपके पास लोअर बाउंड थ्योरम। और आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यही नाम आपके पास कैसे आता है? स्टेटिक थ्योरम। कैसे आता है? स्टेटिक थ्योरम के नाम से। क्लियर? तो याद रखना, दो आपके पास थ्योरम होती है, एक होती है अपर बाउंड, एक होती है लोअर बाउंड। अपर बाउंड को कंफ्यूज करने के लिए बोलता है काइनामेटिक थ्योरम, और लोअर बाउंड को कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है? स्टेटिक थ्योरम कहता है। हाँ पहले पीछे वाली क्लास कर लो, जो हमारे पास कल क्लास हुई है ना, उस कल वाली क्लास को देख लेना, परसों का थोड़ा सा लास्ट का पार्ट देखना 15 मिनट का, फिर कल की और फिर आज का, आपका प्लास्टिक एनालिसिस पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया आप सभी ने ये? चलिए अब बात करते हैं पहली थ्योरम, जिसका नाम आपके पास क्या है? अपर बाउंड थ्योरम। अपर बाउंड थ्योरम, ये कंडीशन क्या कहती है? जैसे आपको क्लियर पता चल रहा होगा, अपर बाउंड थ्योरम है, इसका नाम क्या है? अपर बाउंड थ्योरम। तो मतलब यहां पे जो लोड आने वाला है, मतलब बेटा यहां पे जो आपके पास लोड आने वाला है वो आपके पास क्या होगा? चांस है खत्म होने का सर, मे बी जो आपके पास लोड लगे, आपके पास अप्लाइड लोड से जो आपके पास लोड लगेगा, अल्टीमेट लोड से ज्यादा लगेगा या इक्वल लगेगा? मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे जो आपके पास लोड लगने वाला है वो अल्टीमेट से या तो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? अपर बाउंड थ्योरम। क्लियर? बताइए बेटा क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसी कारण से ये ज्यादा और इक्वल। तो बताओ इस थ्योरम के अंदर उन तीन कंडीशन में से कौन सी अप्लाई होगी? हाँ यहां ये पीयू आपके पास जो है
उसे बोला जाता है आपके पास अल्टीमेट लोड या फिर प्लास्टिक लोड कह सकते हो। इसे आप कह सकते हैं अल्टीमेट लोड या फिर प्लास्टिक लोड आप कह सकते हैं। मुझे ये बताइए, अगर P ग्रेटर हो रहा है PU या उसके बराबर, तो उन दोनों में से बताइए, उन दोनों में से कौन सी कंडीशन इक्वल हो रही है? हाँ बेटा पूरा है वो, डीपली है, तुम पढ़ो उसको। बताओ जो लोड है वो अल्टीमेट से ज्यादा है और आपके पास इक्वल है, तो आपके पास कंप्लीट ही तो चंदा है बेटा, कंप्लीट ही चंदा है। जैसे ऑफलाइन में चलता है वैसे ही चलता है, तुम क्लास लेके देख लेना, ठीक है? आ जाना कानपुर, स्टील ही चंदा है, यही चीजें मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अब बता रहा हूँ वही चीजें बताऊंगा, बोलने वाला भी मैं रहूंगा, कुछ अलग नहीं होने वाला, ठीक है? तो पी ग्रेटर हो रहा है पीयू से, तो बताइए कौन सी कंडीशन इक्वल हो रहा है? बताइए कौन सी कंडीशन आपके पास यहां पर सेटिस्फाई हो रही है? जो पहले तीन कंडीशन बताई है ना, इक्विलिब्रियम, कोलैप्स और यील्ड, तो यहां पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बताइए? कोलैप्स और कौन सी कंडीशन? देखो इक्वल भी है यहां पर, यहां पर इक्वल भी है, मतलब इक्विलिब्रियम। तो मतलब ये जो थ्योरम है वो पीछे वाली जो तीन कंडीशन थी उनमें से दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, एक तो होगा इक्विलिब्रियम और दूसरा कौन सा होगा? कोलैप्स वाला। दूसरा कौन सा होगा? कोलैप्स वाला। तो याद रखना ये जो थ्योरम है वो क्या सेटिस्फाई करती है? दिस थ्योरम सेटिस्फाई दी इक्विलिब्रियम, सेटिस्फाई दी इक्विलिब्रियम एंड सेटिस्फाई दी इक्विलिब्रियम एंड कोलैप्स कंडीशन, इक्विलिब्रियम एंड कोलैप्स कंडीशन। क्लियर? तो ये जो थ्योरम है आपके पास किस किस को सेटिस्फाई करेगी? इक्विलिब्रियम को और कोलैप्स को। इक्विलिब्रियम कैसे? क्योंकि लोड के अंदर देखो क्या आ रहा है, अल्टीमेट के इक्वल आ रहा है और यहां पे ज्यादा है, तो ज्यादा कंडीशन किसके अंदर आती है? कोलैप्स के अंदर। क्योंकि कोलैप्स जब कंडीशन लगेगी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? फेल होगा। कोई बात नहीं बेटा, वहां पर भी आएंगे, बता देंगे तुम्हें, ठीक है? वहां जब आएंगे तब तुम्हें बता देंगे। बना लिए इसको। और सेकंड जो आपके पास थ्योरम है उसका आपके पास नाम क्या है? उसका नाम है आपके पास लोअर बाउंड थ्योरम। क्या नाम है इसका? लोअर बाउंड थ्योरम। तो आपके पास ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि जब लोड लगेगा तो आपके पास जो कंडीशन होगी वो पीयू से लेस होगी और इक्वल होगी, लेस होगी और इक्वल होगी। तो बताओ लोअर बाउंड थ्योरम कौन कौन सी को सेटिस्फाई करेगा? जो लोअर बाउंड थ्योरम है पीछे कितने को इक्वल करेगा? दो को। बिल्कुल सही। तो ये आपके पास जो कंडीशन है यहां वाली, ये आपके पास किन किन को सेटिस्फाई कर रहा है? दो को। किस किस को? दिस थ्योरम सेटिस्फाई yield एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, yield एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो ये किसको सेटिस्फाई कर रही है? दो को, इक्विलिब्रियम को और यील्डिंग को। क्लियर है सभी? बनाओ, नोट करो। नोट कर लिया आप सभी ने? चलिए आगे चलते हैं फिर।
चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। आज तो सर ही पढ़ाएंगे बेटा, एफएम तो आज तो सर ही पढ़ाएंगे आपको, ये आपके पास फिक्स हो गया, ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये हो गया हिंद सपोर्ट, ठीक है। अभी सर वहीं पर है, पटना में ही है अभी, ठीक है, अभी पटना में ही है सर। ये आपके पास लग रहा है लॉर्ड डब्लू, यहां से कितने पर आपके पास एल बाय टू, और यहां से भी आपके पास क्या है एल बाय टू, ठीक है। यहां से लोड कितने पर लग रहा है एल बाय टू और एल बाय टू, पता नहीं बेटा, कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पे स्टेप से बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा करने में, ठीक है। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, यहां पर, यहां पे आपको निकालना होता है क्या आपके पास इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, डिटरमाइन दी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। आपके पास जो जेई और एई लेवल से आपके पास क्वेश्चन आता है ना, वो पहले स्टेप से कौन कौन सी चीजें आती हैं, बेटा इतना मुझे नहीं पता, इतना नहीं पता बेटा, सोम कौन पढ़ाएगा, नहीं पता मुझे अभी, ठीक है। तो मुझे टाइम नहीं पता, वो मुझे नहीं पता अभी कौन क्या पढ़ाएगा, मुझे मेरे सब्जेक्ट का पता होता है। तो सबसे पहले जो चीज होती है वो आपको ये डायग्राम देख के कह सकता है कि इनडिटर्मिनेंसी बताओ क्या क्या देगा, क्या क्या देगा। पहला क्वेश्चन यहां से इनडिटर्मिनेंसी कितनी है बताओ, तो इनडिटर्मिनेंसी जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पर आर से। जो आपके पास इनडिटर्मिनेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, आर से, ठीक है। तो बात करते हैं आपके पास आर, तो यहां पे कितने रिएक्शन आती है, फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आती है बताइए। तो मतलब आप लोगों ने अभी टॉस नहीं पढ़ी, आप लोगों ने अभी टॉस नहीं पढ़ी, ये मुझे पता लग रहा है, नहीं सही कह रहा हूं मैं, नहीं पढ़ी ना, हाँ पता लग रहा है। जब यहां पे वर्टिकल लोड है, जब यहां पे वर्टिकल लोड है तो तुम्हें रिएक्शन भी कौन सी मिलेगी, वर्टिकल मिलेगी। तुम्हें यहां पे सिर्फ रिएक्शन कितने मिलेगी, दो, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। एक तो आपको मिलेगी कौन सी, वर्टिकल, और एक लोड के कारण से जो आ रहा होगा वो आपके पास मोमेंट। तो एक रिएक्शन और ये दूसरी रिएक्शन, तो कितने मिलेगी, दो। और यहां पे कितनी रिएक्शन आती है, यहां पे भी आपके पास दो ही आती है, एक आपके पास वर्टिकल और एक आपके पास आती है हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगी जीरो, हॉरिजॉन्टल वाली क्या हो जाएगी, जीरो, और ओनली सी वर्टिकल वाली रहेगी। तो मतलब कितनी रिएक्शन आएगी यहां से, एक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर फिक्स पे कितने रिएक्शन हुई, दो, और वहां पे हिंज पर कितनी रिएक्शन हुई, एक, तो टोटल कितनी हो गई, तीन। और इक्विलिब्रियम रिएक्शन कितने लोगे, अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन कितनी होती है, तीन, तो तीन में से भी एक हटानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल वाली, तो वो भी कितने लोगे, दो, और इक्वल टू वन, समझे। वहां पे हमने तीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम से भी हॉरिजॉन्टल हटा देंगे, जैसा हमने यहां से हटाया है। क्लियर है ये वाली बात, बताइए ये बात क्लियर है, बोलो बेटा मनमोहन, क्या समझ नहीं आया इसमें तुम्हें, हाँ, लोड के अकॉर्डिंग ही कंडीशन होती है। अगर ये लोड गिवन नहीं होता ना, तो तुम्हारे पास यहां पे रिएक्शन आती तीन,
और यहां पे रिएक्शन होती है दो, और यहां पे तुम लेते पांच माइनस तीन ऐसे, ठीक है। जब लोड वर्टिकल लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट नहीं होगी, क्योंकि लोड कौन सा लग रहा है, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास वर्टिकल आएगा और मोमेंट आएगा, मतलब दो रिएक्शन, और यहां पे ओनली रिएक्शन मिलेगी कौन सी, वर्टिकल वाली। तो दो और एक कितना हो गया, तीन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन कितनी होती है, तीन होती है, बट यहां पे भी हॉरिजॉन्टल कंसीडर नहीं करना, क्यों, क्योंकि लोडिंग कैसा है, वर्टिकल है, तो यहां पे भी कितना लेंगे इक्विलिब्रियम, दो लेंगे। क्लियर, ठीक है, हां तो बोल दो बेटा। अब सेकंड चीज जो आपसे आपके पास जेई पेपर में पूछता है वो आपके पास होता है प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स, और इसको आपके एग्जाम में क्या लिखता है, PHRC। बार बार एग्जाम में ये लिखा आएगा कि PHRC बताओ, तो ये मुझे बताइए कि जो इनडिटर्मिनेंसी होती है वो आपके लिए स्ट्रक्चर के लिए बेटर होती है या नहीं, जो इनडिटर्मिनेंसी है वो आपके स्ट्रक्चर के लिए बेटर होती है या नहीं होती। हमारे स्ट्रक्चर के लिए इनडिटर्मिनेंसी बेटर होती है, जितना इनडिटर्मिनेंसी होगा आपके मेंबर का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखना, जितना इनडिटर्मिनेंसी ज्यादा होगा उतना ही आपका मेंबर स्ट्रेंथ ज्यादा देगा। क्लियर बात, इनडिटर्मिनेंसी हमारे स्ट्रक्चर के लिए बेटर रहती है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे स्ट्रक्चर को कोलैप्स करवाना है, तो मुझे जो इस लोड की कंडीशन है वो स्ट्रेंथ से ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए जो PHR का फॉर्मूला है वो होता है हमेशा R+1, ऑलवेज फॉर्मूला आपके पास यही होगा, जितनी इनडिटर्मिनेंसी है उससे बस एक ज्यादा लगाएंगे हमें मेंबर को कोलैप्स करवाने के लिए। क्लियर, क्या मेंबर को कोलैप्स करवाने के लिए आपके पास लोड कितना लगाना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेंसी से एक ज्यादा। क्लियर है, तो बताओ कितनी प्लास्टिक हिंज बननी चाहिए, कोलैप्स के लिए कितनी बननी चाहिए, भाई आर कितना है, 1, तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को देखो, अब आपके स्ट्रक्चर को देखो तो बताओ नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितनी बन रही है स्ट्रक्चर के अंदर, कल मैंने आपको बताया था ना, समझाया था आपको, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज स्ट्रक्चर को देखते ही बता देना है, तो बताओ नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज को बोलते हैं यहां पे टी, कैपिटल टी नोट किया जाता है, कितनी बन रही है। स्ट्रक्चर को देखो और मुझे बताओ कि आपके पास कहां कहां पे मेंबर फेल हो सकता है, प्लास्टिक हिंज कहां कहां पे बन सकती है, नाम से बताओ, 1, 2, 3 मत करो, मुझे बताओ कहां कहां पर होगी, बिल्कुल सही कमेश का, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तो आपके पास कहां पर होगी, एक होगी अंडर द लोड, और दूसरा कहां पर होगा, फिक्स पर। हिंज पर कब से होने लग गए बेटा देवकरण, हिंज पर कब से होने लग गई, मैंने कब कहा था कि हिंज पर होगी, ठीक है, तो कितनी हो गई, 2 बनेगी टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज जो स्ट्रक्चर में बन रही है वो 2। कल बताया था मैंने आपको 5 जगह पे बताया था, पहले बताया था अंडर द लोड, दूसरा कहा था कि यूडीएल के अंदर जहां शेयर फोर्स 0 होगा, तीसरा कहा था फिक्स पर, चौथा कहा था जहां सेक्शन चेंज होगा,
और पांचवा कहा था कंटिन्यूअस सपोर्ट के ऊपर, अगर आपको याद हो तो। हमारा आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म निकालना। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म निकाल, तो उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म निकालने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो आपके पास क्या होता है टी माइनस आर। तो बताओ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितनी बनेगी, दो थी आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज और डिटरमिनेंसी कितनी है एक, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितनी बनी, एक बनी। क्लियर सभी को, सरफराज बेटा कल की क्लास में थे क्या, सरफराज बेटा कल की क्लास में थे क्या, है ना। तो कल मैंने आपको बताए थे कि प्लास्टिक हिंज कहां कहां पे बनेगी, तो बताओ कहां कहां पे बनेगी, एक बार बताओ प्लास्टिक हिंज कहां कहां पे बनेगी, मैंने कहां कहां पे बताया था आपको। अगर वो कल वाली बात आपको याद होगी ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपको टी निकालने के लिए तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको टी निकालने के लिए तो कभी दिक्कत ही आनी नहीं चाहिए। और मैं अभी अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, हाँ फिक्स सपोर्ट पर लोडिंग पर। तो ये आपके पास हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, समझ गए। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो ये आपके पास बीम है इस तरीके से, लोड लग रहा है सेंटर पे W, अब इसको नेमिंग कर दो A, B और C, ठीक है। जब लोड लगेगा तो यहां पे डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस तरीके से और इस तरीके से, हाँ या ना, जब लोड लगेगा तो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो उसको हमने नाम दे दिया वाई, लोड लगने पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका नाम दे दिया हमने वाई, और यहां से जो एंगल बन रहा है उसका नाम दे दिया हमने थीटा वन। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, अच्छे से देखना। ये बीम यहां से गई तो ये बन गया थीटा वन, और ये बीम यहां से जा रही है इस तरीके से तो नाम पड़ गया थीटा टू, और ये इसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल बनेगा, अगर ये थीटा वन है तो ये भी कितना पड़ गया थीटा वन, अगर ये थीटा टू है तो ये भी कितना नाम पड़ जाएगा थीटा टू। यहां तक क्लियर सभी को, ये एंगल क्लियर है कि मैं थीटा वन थीटा टू कैसे ले रहा हूं, सभी हां कर दो, एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना और दोबारा रिपीट मत करना, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन देखो, अब इनकी डायरेक्शन देखो, और इसके जस्ट अपोजिट मोमेंट लगा दो, इसके जस्ट अपोजिट मोमेंट लगा दो, ठीक है। अपोजिट ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो इसके अपोजिट लगा दो एंटी एमपी, ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके अपोजिट लगा दो आपके पास एमपी, ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके क्लॉकवाइज लगा दो कितना मोमेंट एमपी, ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अपोजिट लगा दो आपके पास एमपी। क्लियर, अब बताओ इनकी डायरेक्शन क्लियर, बस थीटा के जस्ट अपोजिट लगा देना, थीटा के जस्ट अपोजिट लगा देना, अब बताओ क्लियर। सभी बोल दो, सभी की सभी कि हाँ सर क्लियर है, ऐसा ना हो कि फिर तुम क्या हो कि सर नहीं आया, क्योंकि
कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, एक एक करके क्लियर करते चलो। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आती है सभी को? सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक आती है? तो मैं अगर टेन थीटा वन निकालना चाहूं तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर इनटू बेस, बेस कितना है एल बाय टू, और ये भी बेस कितना है एल बाय टू। क्लियर है? टेन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है वाई, और बेस कितना है एल बाय टू, तो वाई अपॉन में एल बाय टू। कर सकता हूं? अरे टू वाई क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा टू ऊपर लेगा, ठीक है ठीक है। और अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूं, टेन थीटा टू निकालना चाहूं यहां से, तो तुम क्या लिखोगे? वाई अपॉन में एल बाय टू, वाई अपॉन में एल बाय टू, यही तो करोगे। और थीटा स्मॉल होने के कारण से, थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होगा तो आप क्या करोगे? सिर्फ थीटा वन ही लोगे। जब थीटा स्मॉल होता है तो आप उसको हटा देते हैं और टेन थीटा की जगह थीटा वन ही ले लोगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई अपॉन में एल बाय टू। और यहां से अगर ये स्मॉल हो जाता है, अगर ये आपके पास स्मॉल हो जाता है ड्यू टू स्मॉल, तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा टू इक्वल टू वाई अपॉन में एल बाय टू हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? तो थीटा वन की वैल्यू और थीटा टू की वैल्यू बराबर है या नहीं है? थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू बराबर है या नहीं है? तो रिलेशन क्या निकला? थीटा वन किसके इक्वल होगा? थीटा टू के। थीटा वन किसके इक्वल होगा? थीटा टू के। यहां तक क्लियर है सभी को? बोलते चलो। हाँ, फिर उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट जाएगा, फिर यहां पे वापस मत लेकर आना मुझे। 1 घंटा रुक रहे। ठीक है ठीक है, चलो। ठीक है चलो। तो ये आ गया आपके पास स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क थ्योरम। ये वर्चुअल वर्क थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल होगा टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। तो मतलब ये चीज क्या कहना चाहता है? ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, है ना, एक बार लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और बार बार नहीं लिखेंगे। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, और ये आपके पास क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? ये दोनों नाम क्लियर है कि वर्चुअल वर्क थ्योरम क्या कहता है? टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स और टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आप देखो आगे, इंटरनल वर्क डन आपके पास क्या होता है?
वर्क डन आप सभी को पता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात भाई? ये बात क्लियर है कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर ना? चलो अब ये जो मोमेंट लगा इसके कारण से कितना थीटा मिला? थीटा वन। ओके, ये जो मोमेंट लगा इस कारण से कितना थीटा मिला? थीटा वन। तो ये वर्क डन ही तो होगा। अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो फोर्स के टर्म्स में हो गया, अगर मैं मोमेंट के टर्म्स में बोलूं तो मोमेंट यही तो होगा, मोमेंट इनटू स्लोप, मोमेंट इनटू स्लोप, ये भी तो वर्क डन है। तो जो इंटरनल वाले हैं वो होता है मोमेंट के कारण से, और जो एक्सटर्नल वाला है वो होता है अप्लाइड लोड के कारण से। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जो आपके पास एक्सटर्नल वर्क डन है से होता है बाय अप्लाइड लोडिंग, बाय अप्लाइड लोडिंग के कारण से होता है एक्सटर्नल। और जो आपके पास इंटरनल वाला है वो आपके पास किस कारण से होता है? बाय द मोमेंट। क्लियर है सभी को? तो मैं देखना अभी क्या लिख रहा हूं यहां पर। इंटरनल के अंदर मैं लिख रहा हूं आपके पास एमपी इंटू थीटा वन प्लस में एमपी इंटू थीटा वन, और इस तरफ क्या था? इस तरफ क्या था बेटा? यहां पर क्या है? थीटा टू। तो यहां पर क्या होगा? एमपी इंटू थीटा टू, एमपी इंटू थीटा टू। मतलब यहां पे वैल्यू क्या लिखोगे आपके पास? एमपी इंटू थीटा टू प्लस में एमपी इंटू थीटा टू। ये बात क्लियर है? इंटरनल वर्क डन क्लियर है ये वाला? हाँ बोलो पहले सभी, एक भी बात यहां पे क्लियर नहीं है तो दोबारा बताओ। क्या सर ये मुझे फोर्स डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आया? अब देखते हैं तुम बादाम खा रहे हो या नहीं खा रहे। ये मेरा फोर्स लगा तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्सटर्नल के कारण से? बताओ। हा हो लोकेश बेटा बादाम खाने लग गए। वाय के कारण से डिस्प्लेसमेंट कितना? वाय। सुदीप भी खा रहे हैं, विनय भी पिंड भी खा रहे हैं, विशाल भी, सब लोग बादाम खा रहे हैं, देवकरण कुछ ज्यादा खा रहे हैं, बस बात यह है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो या नहीं भाई? यहां तक क्लियर हो या नहीं बताओ। बेटे सपोर्ट कैसा है? बेटे सपोर्ट कैसा है? सभी बोलो, सभी की सभी बोलो कि हां सर हिंज है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ क्या हिंज सपोर्ट मोमेंट लेता है? मुझे सिर्फ ये बताओ क्या हिंज सपोर्ट मोमेंट लेता है? क्या नहीं? तो हमारे पास डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे। डायग्राम नहीं बेटा, देखो अभी जो बात नहीं कर रहा ना वो मत करो। यहां साइन कंसिडर नहीं करते, साइन कंसिडर नहीं करते कमलेश बेटा, यहां साइन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, वो बात मत करो नहीं तो आंसर तुम्हारा गलत निकलेगा। ठीक है, बुक में दिया होता है, बुक में डायरेक्शन कंसिडर करता है। सबके अलग अलग मेथड होते हैं क्वेश्चन करने के, यहां से क्वेश्चन तुम्हारा सही निकलेगा और गलत नहीं होगा। ठीक है, आप इसको भी अगर करके आते ना एग्जाम में कन्वेंशन में तो भी गलत नहीं होगा, इस चीज का मैं कह सकता हूं। तो ये मोमेंट आपको क्या करना है? जीरो करना है। और क्या बोलोगे? ड्यू टू हिंज सपोर्ट, ड्यू टू हिंज सपोर्ट। और हमें पता है कि हिंज सपोर्ट मोमेंट नहीं लेता, और हमें पता है कि हिंज सपोर्ट मोमेंट नहीं लेता, तो हमने इसको जीरो कर दिया, हमने इसको जीरो कर दिया। तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? हां बोल दो कि हां सर क्लियर है, फिर आगे बढ़ बोल दो ना बेटा कि हाँ सर क्लियर हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा।
चलो अब आगे बात करते हैं, थीटा वन और थीटा टू दोनों बराबर थे, थीटा वन और थीटा टू दोनों बराबर थे, तो क्या मैं इसकी जगह पे थीटा वन रख सकता हूं? हाँ मैं रख सकता हूं, और इन तीनों को जोड़ने पर वैल्यू हो जाएगी 3 MP इंटू थीटा वन। क्लियर है वैल्यू 3 MP इंटू थीटा वन। वाई को भी थीटा वन के टर्म्स में ले लो। अब सर ये कैसे ले सकते हैं? अब वाई को भी थीटा वन के टर्म्स में ले लो, ये कैसे ले सकते हैं बताओ? वाई को थीटा वन के टर्म्स में लोगे तो आप क्या रखोगे? अरे कोई दिक्कत नहीं, आप थीटा टू लेके कर लो राम बेटा, आप थीटा टू लेके करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है? आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ तो आपने कहां से निकाला? आपने निकाला होगा यहां से कि भाई थीटा वन इक्वल टू वाई अपॉन एल बाय टू है, तो मैं वाई की वैल्यू क्या ले सकता हूं? थीटा वन इंटू एल बाय टू, ठीक है? जिसको कंफ्यूजन हो वो थीटा टू लेके कर लेना, आंसर सेम ही आता है हमेशा। आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। तो यहां पर मैं वैल्यू रख दूंगा डब्ल्यू इंटू थीटा वन इंटू एल बाय टू। बताओ यहां तक क्लियर? क्या क्लियर? मैंने y की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, तो मुझे सभी बताओ क्लियर है यहां तक? थीटा वन से थीटा वन कट गया, ये जो W होता है जब हम इसको निकालते हैं तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 6 MP अपॉन में L। ये आपके पास आंसर रहा। गेट का क्वेश्चन देखना, आई जे का देखना, डायरेक्टली पूछता है इस सपोर्ट के लिए। मैं जितने केस करवा रहा हूं ना वो सब स्टैंडर्ड केस है, हर जगह आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है। ये इतनी बड़ी कहानी आप हर जगह नहीं करोगे, नहीं तो आपका टाइम देख लो कितना लग चुका है। आपको इस क्वेश्चन को करने के अंदर 20 से 25 मिनट लगेंगे, तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है। एक क्वेश्चन करवा दिया, अब बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे। हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे करना है, बट आप खुद करोगे। क्लियर है सभी लोग? तो क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, देखें कौन कौन बादाम खा रहा और कौन नहीं खा रहा, चेक करें। हाँ बेटा, यहाँ पे ये जो W है इसको बोल दिया जाता है आप W है, इसी W को WP कहते हैं जब निकालते हैं, क्योंकि जो ये लोड का वैल्यू आता है ना, ये प्लास्टिक लोड, जो W की वैल्यू निकालते हैं ये प्लास्टिक लोड कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है कोलैप्स लोड, इसी को ही कहा जाता है कोलैप्स लोड, और इसी को ही एग्जाम में कहते हैं आपके पास अल्टीमेट लोड। ये सभी नाम एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने प्लास्टिक बताया था, सर ने कोलैप्स नहीं बताया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा? देवकरण बेटा पाप लगेगा, पाप तुम्हें। विशाल का सही है,
विशाल का बिल्कुल सही है, ब्रिजवाल का भी सही है। सभी का आंसर निकला नहीं निकला बताओ। सभी क्लियर है क्या बताओ इसको आंसर को लेकर? अब आपको क्या करा है पता आप लोगों ने? आपने क्या करा, यहां पर देख लिया कि यहां पर थीटा वन था, यहाँ पे भी थीटा वन था, यहाँ पे आपके पास थीटा टू था, यहाँ पे भी आपके पास थीटा टू था, इसके अपोजिट में एमपी, इसके अपोजिट में एमपी, इसके अपोजिट में एमपी और इसके अपोजिट में भी एमपी। आपको पता है कि ये फिक्स है, इस टाइम पर जीरो नहीं होगा, और थीटा वन थीटा टू के इक्वल आता ही है, तो यहाँ पे निकाल दोगे 4 MP अपॉन थीटा वन, और W निकाल दोगे क्या, थीटा वन इंटू L/2, और थीटा वन से थीटा वन कट कर दोगे, और डब्ल्यू पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 MP/L। आप सभी ने यही किया होगा, नहीं आप सभी ने यही किया होगा? बादाम खाने लग गए आप लोग, चलो देखते हैं और कितना बादाम खा रहे हो। बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? बहुत ही बादाम खाने लग गए भाई। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? अब आपने क्या किया होगा, आपने यहां से इस तरीके से डायग्राम बनाया होगा, यहां पे आपने बोला होगा थीटा वन, यहां पे बोला होगा थीटा वन, यहां पे बोला होगा थीटा टू, और यहां पे बोल दिया होगा थीटा टू, और क्या होगा कि इसके अपोजिट में आपके पास एमपी आ रहा है, इसके अपोजिट में भी आपके पास एमपी आ रहा है, इसके अपोजिट में भी आपके पास एमपी आ रहा है, इसके अपोजिट में भी आपके पास एमपी आ रहा है। फिर आपने कहा होगा कि जो एंड है वो हिंज है, तो ये मोमेंट जीरो और ये मोमेंट भी आपके पास जीरो, तो कितने एमपी बचे, दो, तो 2 MP × θ1, और अब आपके पास क्या होगा, W × θ1 × L/2 कर दिया होगा, थीटा वन से थीटा वन काट दिया होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 MP/L। सभी ने यही किया है क्या? चलो नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोमेंट की वैल्यू बताओ। इसके लिए आपने सोम में पढ़ा होगा मोमेंट का वैल्यू बताओ।
क्या था मोमेंट, डब्ल्यू एल बाय फोर, और तुम्हारा आंसर देख रहे हो, तुम्हारा आंसर देख रहे हो, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, चीजें वही होती है बट अलग तरीके से चीजें दिखाई जा रही है, चीजें वही हैं। अगर तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन अगर ये वाला आ जाए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो तुम्हारे पास इस डब्ल्यू पी का वैल्यू कितना होगा, अगर तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर कितना होगा, गलत है, गलत है, गलत है। हाँ ब्रिजवाल का बिल्कुल सही है, 8 MP अपॉन में L, क्योंकि मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू एल बाई 8। मैं लोड का वैल्यू पूछ रहा हूं तो क्या कर दोगे, 8 MP अपॉन में L। बेटा वो लोड के अंदर इंक्लूड है लोकेश, बेटा जो लोड है ना इसके अंदर लेंथ इंक्लूड है, ठीक है, इसलिए डब्ल्यू एल बाय वो 8 MP अपॉन में L। इस बार का पेपर था ये 30 तारीख को जो इवनिंग में पेपर हुआ था ना, उसका ये आंसर है, ये यही क्वेश्चन आया था, डिट्टो डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं किया, देख लो। अब जिसको नहीं आता होगा वो निकालेगा, और जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो भिड़ते ही आंसर किस पे करेगा, 8 MP अपॉन L पर। क्लियर है, सभी लोग हाँ बोल दो, फिर आगे की तरफ बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 4th पर। ये भी बना लो, ये भी बना लो तुम्हारे में। चलो ए बी यहां और इसको डी, जो सेक्शन चेंज हो रहा है वो है आपके पास एल बाय टू, और ये भी आपके पास कितना है, आपके पास एल बाय टू, एल बाय टू, एल बाय टू, और जो लोड लग रहा है, जो लोड लग रहा है यहां से लग रहा है 2L/3 पे, और यहां से लग रहा है आपके पास L/3 पर, ठीक है, क्लियर है, डायग्राम क्लियर है सभी को। तो पहला स्टेप मैं चाहता हूं आप लोग खुद करें, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पहला जो स्टेप है वो आप लोग खुद करें। तो पहला जो स्टेप है वो हमारे पास क्या था, सबसे पहले मुझे R बताओ क्या होगा, इनडिटरमिनेंसी बताओ कितना होगा, सबसे पहले मुझे बताओ कि यहां पर इनडिटरमिनेंसी कितना होगा। विशाल का सही है, बाकी लोगों का गलत है, लोकेश का भी सही है। यहां पे रिएक्शन दो क्योंकि वर्टिकल लोडिंग है, और यहां पे भी रिएक्शन दो क्योंकि वर्टिकल लोडिंग है, 4, और इक्विलिब्रियम में भी कितना लोगे, 2, तो आंसर कितना निकल रहा, 2 निकला। सुदीप का भी बिल्कुल सही है, राजश्री का भी सही है, क्लियर है सभी लोग यहां तक। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाओ, प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स R+1, तो कितना निकलेगा, 3 हो जाएगा, R+1 3 हो जाएगा। अब बताओ मुझे टोटल प्लास्टिक हिंज कितनी बनेगी, टोटल प्लास्टिक हिंज बताओ कितनी बनेगी, सुदीप का गलत है, विशाल का गलत है, बाकी लोगों का सही है। पहला कॉन्सेप्ट था कहां बननी चाहिए, अंडर द लोड बननी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जहां फिक्स होगा वहां पे बननी चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पर बननी चाहिए। तो कितना हो गया, कितना हो गया, 4। तो टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितनी हो गई, 4 हो गई। अब
आपके एग्जाम में क्या कहता है, हाउ इज द इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इन द गिवन सेक्शन, तो बताओ इसके लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितनी बनेगी, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितनी बनेगी। फॉर्मूला क्या था, टी माइनस आर, यही एग्जाम में पूछ लिया आपके एसएससी के अंदर पेपर में, बताओ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का फॉर्मूला क्या था, टी माइनस आर, टी प्लस आर, टी डिवाइड बाय आर और टी मल्टीप्लाई आर करके, तो आंसर क्या था, टी माइनस आर, तो मतलब 4 - 2 कितना हो गया, 2 आंसर। यहां तक सभी क्लियर है, यहां तक सभी क्लियर है। चलो अब ये जो दो मैकेनिज्म है, बीम एक है, मैकेनिज्म दो, कैसे, तो एक मैकेनिज्म जो तुम्हारी बनेगी वो बनेगी आपके पास ए बी डी, और जो दूसरी मैकेनिज्म बनेगी वो क्या बनेगी, ए सी डी। तो अब यहां दो मैकेनिज्म से निकाला जाएगा लोड को, स्टीली तो है, और इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो आपके पास क्या होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो आपके पास क्या होगा, प्लास्टिक हिंज बनेगा, क्लियर, क्या वो आपके पास कोलैप्स लोड आ जाएगा, वो इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, कोलैप्स लोड। ठीक है, चलो अब हम कर रहे हैं आपके पास पहले ए सी डी को, ए सी डी क्या कहती है, अगर आप ए सी डी पे जाओगे तो आपके पास जो लोड है वो यहां से लग रहा है कितनी दूरी पर, एल बाय थ्री पर, और यहां से जो लोड लग रहा है वो आपके पास डिस्टेंस है टू एल बाय थ्री पर, और ये जो लोड है वो आपके पास इस तरीके से बना दोगे, इस तरीके से, बेटा इंडिप आप ये आर समझ गए थे क्या सरफराज बेटा, सरफराज बेटा ये आर समझ गए थे क्या, और ये टी समझ गए थे क्या, तो टी माइनस आर कर देना दो आ जाएगा, टी माइनस आर कर देना दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहां का जो आपके पास थीटा बनेगा वो आपके पास क्या होगा, थीटा वन, और यहां पे जो आपके पास एंगल बनेगा वो आपके पास कितना होगा, थीटा टू, ओके, अगर ये थीटा वन है तो ये भी कितना होगा, थीटा वन, और ये अगर थीटा टू है तो ये भी कितना होगा, थीटा टू, क्लियर है यहां तक, यहां तक बताओ क्लियर है क्या, ये थीटा वन, तो यहां पे आपके पास चेंज करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट डाल देते हैं इसमें, यहां तक की जो कैपेसिटी है और इससे इधर की बी पॉइंट से इधर की जो कैपेसिटी है वो आपके पास हो गई एमपी, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे हिंज लगा देंगे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है, कैपेसिटी 2 MP MP। चलो यहां पे ये ए है, ये सी है और ये डी है,
ए पर मोमेंट की कैपेसिटी कितनी है, ए पर मोमेंट की कैपेसिटी कितनी है 2 MP, और बी से इधर साइड की कैपेसिटी कितनी है MP। तो मतलब यहां पे कितना आएगा सी जगह पर MP, और यहां पे भी कितना आएगा आपके पास MP, और डी पर भी कैपेसिटी कितनी है आपके पास MP। अब बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ, जो ये आपके पास 2 MP 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 लग रहा है, ये क्लियर है सभी को कि सी पर MP MP क्यों लगा और ए पर 2 MP क्यों लगा। जिसको भी डाउट हो इस डायग्राम को देख लेना, क्योंकि बी से इधर की कैपेसिटी कितनी है MP है सब जगह की, और बी से इधर की कैपेसिटी सबकी कितनी है 2 MP। सरफराज बेटा देखो पहले अच्छे से समझ जाओगे, अब अच्छे से देखो, बी पॉइंट से इधर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 2 MP, और बी पॉइंट से इधर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है MP। इसी कारण से मैंने जो सी पॉइंट पे कैपेसिटी ली है वो कितने ली है MP MP, क्योंकि वो बी पॉइंट से इधर की तरफ जाके है। क्लियर है सभी को, चलो रिलेशन बताओ। टेन थीटा वन परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12/3, स्मॉल होने के कारण से थीटा वन क्या लिखोगे यहां पे वाई अपॉन में 12/3। यहां पर थीटा टू निकालो, टेन थीटा टू वाई, और बेस कितना है L/3, स्मॉल होने के कारण से थीटा टू वाई अपॉन में L/3। दोनों से कुछ इक्वल आ रहा है भाई, दोनों से कुछ इक्वल आ रहा है, वाई इक्वल है, तो यहां से वाई की वैल्यू निकालो, यहां से वाई की वैल्यू आएगा थीटा वन इंटू 12/3, और वहां से वाई निकालो थीटा टू इंटू 12/3। L/3 से L/3 कर दो, थीटा टू इक्वल टू 2θ1 आ गया, थीटा टू इक्वल टू 2θ1 आ गया। किस किस का रिलेशन आ रहा है ये, किस किस का ये रिलेशन आ रहा है, नहीं बेटा विशाल गलत है, 12 नहीं आ रहा, इसका आंसर आ रहा है अपना 10.5, 10.5। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहां पर जहां पर जिस सपोर्ट के पास में लोड होगा, जिस सपोर्ट के पास में लोड होगा वो हमेशा थीटा ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहां लोड होगा उसका इफेक्ट वहां पे क्या होगा, उसका इफेक्ट वहां पे क्या होगा ज्यादा होगा। क्लियर है, क्लियर है, जैसे शियर फोर्स नहीं होता था, शियर फोर्स जिस सपोर्ट के पास में होगा उस सपोर्ट के पास में आप देखना कभी नोटिस करना शियर फोर्स ज्यादा आएगा, जिस सपोर्ट के पास में फोर्स होता है वहां देखना कभी शियर फोर्स क्या आएगा ज्यादा आएगा हमेशा। ठीक है चलो, इक्विलिब्रियम थ्योरम वो लगा दो, वर्चुअल वर्क थ्योरम, वर्चुअल वर्क थ्योरम क्या कहता है, वर्चुअल वर्क का थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल वर्क डन आपके पास कौन कौन दे रहा था, कौन कौन दे रहा है 2 MP × θ1, MP × θ1, MP × θ2, MP × θ2। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके पास 2 MP × θ1 प्लस में MP × θ1 प्लस में MP × θ2 प्लस में MP × θ2, और एक्सटर्नल कौन देगा W इंटू वाई।
अब आप लोग जिसमें करना चाहते हो चेंज, उसमें चेंज कर दो, आपका जो मन है उसको चेंज कर दो। थीटा वन थीटा टू की जगह क्या रख देना, टू थीटा वन। तो जहां आपके पास थीटा वन है वहां पर थीटा टू की जगह पे थीटा टू वन रखना है, मतलब इसकी जगह पे क्या रखोगे टू थीटा वन, और इसकी जगह पे भी क्या रखोगे टू थीटा वन। दो और एक तीन, तीन और दो पांच, और पांच और दो सात, तो सेवन एम पी इंटू थीटा वन। और डब्लू इंटू वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू थीटा वन की टर्म्स में कितना आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है आपके पास, थीटा वन 12/3। तो थीटा वन से थीटा वन कट गया, W इसका वैल्यू कितना आ रहा है 21/2 MP अपॉन में L। कभी देखने इस क्वेश्चन को कितनी बार आ रखा है तुम्हारे IAS गेट के अंदर। और ये आपके AE के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। वाई का वैल्यू बेटा यहां से निकाल लो ना, यहां से निकाल लो वाई का वैल्यू। ये रहा देखो, ये रहा वाई का वैल्यू, ये रहा थीटा वन इंटू 12/3 कर दो। मैंने तो नहीं कराया था देवकरण बेटा, मैंने नहीं कराया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये फर्स्ट, यहां पर दो कैसे हैं बेटा, देखो दोबारा एक बार सरफराज बेटा, देखो एक बार वहां पर टेन थीटा की टर्म्स में देखो, टेन थीटा वन की टर्म्स में देखो वाई की वैल्यू, तुम अपना समझ जाओगे। वैल्यू को सिर्फ ऊपर लेके जाना है, उसके बॉटम में रखी हुई है वाई की वैल्यू, जो वाई की वैल्यू जो बॉटम में है उसके उसको मल्टीप्लाई कर दो। नहीं चाहिए किसी को भी, तो लीजिए फिर जल्दी से। चलिए पहला, बाकी लोग ए बी डी करके देखो, बाकी लोग ए बी डी के लिए करके देखो, बाकी लोग दूसरे पर आ जाओ, ए बी डी से देखो कितना आंसर आ रहा है। चलो अब सेकंड मैकेनिज्म जो आपके पास कौन सा है, एबीडी वाला, ठीक है। अब एबीडी पर तुम कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, लोड लग रहा है आपके पास यहां पर सी पर तुम कंसिडर कर रहे हो अभी अभी बी को। अगर एबीडी कंसिडर कर रहे हो तो मतलब तुम फेलियर कहां पे निकालोगे, नहीं 15 आंसर आएगा यहां पे। तुम फेलियर तुम्हारे पास कहां पे हो रहा है, बी पॉइंट पर हो रहा है। यहां पे तुम्हारे पास फेलियर कहां पे हो रहा है, बी पॉइंट पर हो रहा है, क्योंकि तुमने मैकेनिज्म कौन सा माना है, एबीडी, ओके। और तुम्हारे पास लोड जो लग रहा है वो आपके पास लग रहा है यहां पर, हाँ आपके पास वाई हो गया, आपके पास
W, क्लियर? क्योंकि तुमने फेलियर कहां पे माना है, बी पॉइंट पर अभी, और उसमें फेलियर कहां पे माना था, सी पर। तो अब आपको देखना है यहां से, तो ये आपके पास कितना है थीटा वन, और ये आपके पास कितना है थीटा टू। इसके कोरस्पोंडिंग ये एंगल कितना हो गया थीटा वन, इसके कोरस्पोंडिंग हो गया आपके पास थीटा टू। अगर सेंटर पे मैंने माना है तो तुम्हें पता है सेंटर पे जब भी मानोगे तो थीटा वन और थीटा टू दोनों हमेशा क्या हो गए, जहां पे सेंटर पे फेलियर हो रहा है समझ जाना कि थीटा वन और थीटा टू क्या होने वाले हैं, बिल्कुल सही, क्या होने वाले हैं, इक्वल। तो थीटा वन थीटा टू के क्या हो गया, इक्वल। बताओ यहां पे किसको प्रॉब्लम है, क्लियर है सभी? चलो नेक्स्ट, अब लगेगा आपके पास वर्चुअल वर्क थ्योरम, वर्चुअल वर्क थ्योरम। वर्चुअल वर्क थ्योरम आपके पास क्या कहती है, चलो ये ए है, ये बी है और ये डी है। चलो ए पॉइंट पर मोमेंट 2 MP, बेटा बी पॉइंट पर कंफ्यूजन है, बी पॉइंट पर कंफ्यूजन है। बताओ यहां पर बी के इस तरफ तो है 2 MP, बी के इस तरफ है आपके पास 2 MP, और बी के इस तरफ है आपके पास MP, तो बताओ बी कहां पर जाएगा, बताओ बी पॉइंट कहां पर जाएगा। MP 2 MP, MP 2 MP, MP 2 MP, MP 2 MP। तो हम क्लिक करते हैं कहां पर, हम क्लिक करते हैं आपके पास MP पर, हम क्लिक करते हैं आपके पास MP पर। हम यहां पर D पे तो आपके पास है ही MP। B पॉइंट कहां पे जाएगा, MP पे जाएगा। क्यों जाएगा, बात आती है ये, बेटा मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि लोड मिनिमम लेना है। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि सर्विसबिलिटी में मेंबर हमेशा रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं रहेगा मेंबर का। तो मतलब लोड जहां पर दिख जाए हमेशा क्या लेना है, मिनिमम लेना है। समझे या नहीं, बताओ समझे या नहीं? अब भी लोकेश बेटा तुम्हारा जो आंसर है वो भी अभी भी गलत है, ठीक है? तो बी कहां पे जाएगा, MP। ओके, तो याद रखना यहां पे, याद रखना एट इंटरसेक्शन ऑफ टू मोमेंट, एट इंटरसेक्शन ऑफ टू मोमेंट चूज ऑलवेज लोअर वन। ओके, जब भी आपके पास दो इंटरसेक्शन पे दो, जब भी आपके पास दो मोमेंट के इंटरसेक्शन पर होंगे तो हमें वहां पे कौन सा वैल्यू लेना है, हाँ सही है 15 आ रहा है, कौन सा लेना है आपके पास, लोअर वाला लेना है, ठीक है? तो वर्चुअल वर्क क्या कहता है, MP into theta 1, MP into theta 1, MP into theta 2 और MP into theta 2 लगा दो बेटा, 2 MP plus MP into theta 1 plus MP into theta 2 में MP into theta 2। क्लियर है ये बात सभी को? लोअर वन जो कम वाली होगी वो वाली वैल्यू, ठीक है? और आपको बताया थीटा वन थीटा टू के इक्वल है, तो मैंने यहां पर सभी जगह पे क्या रख दिया, थीटा टू थीटा टू। दो
तीन चार पांच, फाइव फाइव एम पी इंटू थीटा टू। अब ये वाई निकालना है, ये वाई निकालना है, निकाल लेंगे क्या, निकाल लोगे क्या, देख लो यहां से टेन थीटा टू निकालोगे तो क्या लिखोगे, वाई वन डिवाइड बाय एल बाय थ्री, ये डिस्टेंस यहां से कितनी है एल बाय थ्री, स्मॉल होने के कारण से क्या लोगे थीटा टू इंटू एल बाय थ्री। तो यहां पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू इंटू वाई, और वाई को किसके टर्म्स में ले लो थीटा टू, डब्ल्यू इंटू थीटा टू इंटू एल बाय थ्री, थीटा टू से थीटा टू काट दीजिए, जो आपके पास डब्ल्यू पी का वैल्यू है वो आपके पास क्या जाएगा 15 एम पी अपॉन में एल। तो बताओ कोलैप्स लोड इस मैकेनिज्म के लिए कितना होगा, बताओ कोलैप्स लोड इस मैकेनिज्म के लिए कितना होगा, इस नहीं पूरे स्ट्रक्चर के लिए कितना होगा, कोलैप्स लोड इस स्ट्रक्चर के लिए कितना होगा, बिल्कुल सही। अरे 25 कहां से आ गया भाई, कौन है जो ये सो रहा है अभी भी, ठीक है तो नोट करके क्या लिख दोगे, हैंस प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक लोड फॉर गिवन स्ट्रक्चर इज 10.5 एम पी अपॉन में एल। क्लियर है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, आपके एग्जाम में आ रखा है, एई के पेपर में या जेई के पेपर में अगर डायरेक्ट आता है तो तुम्हें डायरेक्ट करना है, निकालने मत बैठ जाना, नहीं तो तुम्हारा तो एक घंटा गया, नहीं तो आपका एक घंटा तो गया, ठीक है। गिवन होगा, हाँ मिनिमम वैल्यू लेना है आपको। एक चीज और बताता हूं, जब कन्वेंशन करोगे, जब लोड की बात करें तो आपको लेना चाहिए, अगर प्लास्टिक लोड की बात करें तो लेना चाहिए आपके पास टेक मिनिमम वैल्यू, और जब ये मोमेंट की बात करता है, जब ये प्लास्टिक मोमेंट की बात करता है तो लेना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। जब आपने कभी इंजीनियरिंग के अंदर ये पढ़ा होगा ना, तो आपने मोमेंट भी निकाला होगा और लोड भी, तो देखना जब तुम मोमेंट निकालते थे तो वैल्यू लेते थे मैक्सिमम, और लोड निकालते थे तो वैल्यू लेते थे मिनिमम, अगर याद हो तो तुम्हें। नहीं बेटा मिनिमम वाला लेना है, मैं क्या कह रहा हूं, जब लोड निकालते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या लेते हैं मिनिमम, और जब प्लास्टिक मोमेंट निकालते हैं तब क्या लेते हैं मैक्सिमम। याद है या भूल गए इंजीनियरिंग को, रीजन तुम्हें मैंने दो मैकेनिज्म बताई थी, दूसरी मैकेनिज्म पढ़ना लोअर वाली, वो क्या कहता है। सरफराज बेटा मैंने आपको दो मैकेनिज्म बताई थी, एक लोअर और एक अपर, अपर थी कोलैप्स और इक्विलिब्रियम पर, और लोअर थी यील्ड पर और इक्विलिब्रियम पर। तो जो यील्ड होती है वो मोमेंट के ऊपर जाती है और वहां पे वो कभी भी मैक्सिमम तक अप्रोच नहीं करता, इसलिए मोमेंट में मैक्सिमम वैल्यू ले ली जाती है, जबकि लोड के अंदर मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ती है, क्योंकि लोड के अंदर पहले ही वो मैक्सिमम होती है। क्लियर है, कंडीशन को पढ़ना दोबारा से।
अरे यही दिक्कत। अच्छा डिप्लोमा किया है क्या? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब बता दिया अब दिक्कत नहीं आएगी। चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा अगर लॉर्ड यहाँ पे चले गया तो। अब ये यहाँ से एल बाय थ्री पर है और यहाँ से कितने पर है, 12/3 पर, और ये अभी भी कितने पर है, चेंज ऑफ सेक्शन एल बाय टू, एल बाय टू, और ये मोमेंट यहाँ का कितना था 2 MP, यहाँ का कितना था MP। चलो बताओ आर कितना होगा, जल्दी से बताओ आर कितना होगा, बताओ कितना होगा आर। बिल्कुल सही, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4 माइनस 2, 2। प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स, बताओ कितना होगा, देवकरण बेटा पाप लगेगा पाप, क्वेश्चन को देखो पहले, ऐसे कुछ भी लिख देते हो तुम। प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स, आर प्लस वन कितना हो गया 3। टोटल प्लास्टिक हिंज कितनी बनेगी? हाँ ब्रिजवाल बेटा तुम्हारा भी गलत है, कितनी बनेगी 4। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितनी बनेगी? अरे भाई सब कुछ पहले वाला ही होगा, भाई सब कुछ पहले वाला ही होगा, बीम तो वही है, तो ये चीजें चेंज होगी क्या तुम बताओ, बीम तो वही है तो पीछे वाली चीज चेंज होगी क्या, पीछे वाली वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं ना, बस नेमिंग कर दो ए बी सी और डी, निकालो वापस निकालो, बताओ अब मुझे बताओ पहले ए बी डी से कितना आ रहा है, ए बी डी से बताओ। ये है बी यहां पर जहां पर लोड लग रहा है, तो यहां से एल बाय थ्री पर है और यहां से 12/3 पर है, थीटा वन थीटा टू थीटा वन, जल्दी बताओ अब तुम निकालो, अब सारा बता चुका मैं, मुझे बताओ यहां से थीटा वन और थीटा टू के बीच में रिलेशन बताओ, थीटा वन और थीटा टू के बीच में रिलेशन बताओ क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट पे जाओ कॉन्सेप्ट पे, निकालो मत, बताओ कितना आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा होगा मोमेंट 2 MP, यहाँ पे 2 MP, यहाँ पे 2 MP और यहाँ पर MP। बी के ऊपर देखना कैपेसिटी, बी पर देखना कैपेसिटी, यहाँ पर बी क्या आ रहा है, बी सी के इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों जगह पे क्या आएगा 2 MP, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, पर यहाँ पर डी पर अभी भी क्या होगा MP रहेगा। थीटा वन इक्वल, बिल्कुल सही, थीटा वन इक्वल टू टू थीटा टू, ये रिलेशन आ जाएगा, निकालना है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, निकालना है निकाल लो, टेन थीटा वन क्या होगा वाई अपॉन में एल बाई थ्री, टेन थीटा टू क्या होगा वाई अपॉन में 12/3, ये आपके पास वाई है, दोनों स्मॉल होने के कारण से क्या करोगे थीटा वन इंटू इक्वल टू थीटा टू इंटू 12/3, थीटा वन थ्री से एल बाई थ्री काट दो, थीटा वन इक्वल टू टू थीटा टू, क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को, अभी भी बताओ क्लियर है, आगे आ जाओ। चलो बताओ लोड कितना आ रहा है, बताओ लोड कितना आ रहा है यहां से, लोड निकाल के बताओ यहां से कितना आ रहा है, गलत है
गलत है, गलत है, गलत है। मनमोहन का सही है, मनमोहन का सही है। आ जाओ अब देखो, टू एम पे थीटा वन, टू एम पे इंटू थीटा वन, टू एम पे इंटू थीटा टू प्लस में एम पे इंटू थीटा टू डब्लू इंटू वाई। थीटा वन टू थीटा टू की तरह, तो थीटा टू की जगह थीटा वन लोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना रखोगे? यहाँ वैल्यू रखोगे 0.1 थीटा वन, और यहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे? 0.1 थीटा वन। दो दो चार, और ये एक पांच, और एक वो 5.5, तो कितना हो जाएगा? 5.5 एम पे इंटू थीटा वन। डब्ल्यू का वैल्यू, वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू आपके पास थीटा वन के टर्म्स में, वाई का वैल्यू थीटा वन के टर्म्स में, थीटा वन इंटू एल बाय थ्री, थीटा वन इंटू एल बाय थ्री, थीटा वन से थीटा वन कट कर दीजिए। तो डब्ल्यू पी का वैल्यू कितना आ गया? 16.5 एम पी अपॉन में एल, ये आपके पास आ गया। हाँ बिल्कुल सही है, मानसिक का, राजश्री का बिल्कुल सही है। अब क्या दिक्कत आई तुम लोगों को मुझे ये बता दो, जो इन तीन को छोड़ के बाकी सबके आंसर सही निकले हैं। अब दूसरे से बताओ, दूसरे से बताओ मुझे, ए सी डी से कितना निकला बताओ मुझे, ए सी डी से कितना निकला आंसर बताओ। गलत मनमोहन का, अभी भी गलत है। सुदीप का बिल्कुल सही है, विशाल का भी बिल्कुल सही है, कमलेश का गलत। अरे बेटा तुम्हें ए सी डी वाला तो मैं पहले ही बता चुका था कि लोड यहां पे लग रहा है, पर तुम कंसिडर करना है सी पर, तो फेलियर तुम वापस यही मानोगे। और तुम्हें क्या कहा था कि जब सेंटर पे होगा तो थीटा वन किसके इक्वल होगा? थीटा टू के। और दूसरी बात, ये सी यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे अगर थीटा वन है तो यही सिर्फ टू एम पी होगा, बाकी सब क्या होगा? बाकी सब यहाँ पे क्या होगा? एम पी होगा। यहाँ पे भी आपके पास एम पी होगा, और यहाँ पे भी आपके पास एम पी होगा। ये सब को जोड़ दो, 15 एम पी अपॉन में थीटा वन आ जाएगा। अगेन इसको ले लो, आपके पास वाई इंटू थीटा वन इंटू एल बाई थ्री आएगा, और थीटा वन से थीटा वन कट जाएगा, और डब्ल्यू पी का वैल्यू आ जाएगा 15 एम पी अपॉन में एल। सब कुछ पीछे वाला था, सब कुछ, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था तुम्हें, तब भी तुम गलती कर बैठे। सेम आंसर है पीछे वाले की तरह, कुछ करना ही नहीं था तुम्हें तो इसमें। अगर जो समझ रहा है चीजों को, तो मैं कहता हूं कि आंसर वो 15 ही बोलता। अगर निकालने लगोगे तो मतलब तुम समझ ही नहीं रहे, तुम अभी भी न्यूमेरिकली सोच रहे हो चीजों को। कॉन्सेप्ट पे जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट चेंज कभी नहीं होते, वैल्यू ऊपर नीचे होगी पर कॉन्सेप्ट अपनी जगह पर ही रहेंगे। और 15 ही आंसर होगा। लो ये बात भी सही बोले।
इस वाले में यह है आपके पास ए और यह है बी और यह है आपके पास डी, होगी हमारे पास मैकेनिज्म कौन सी है, ए बी डी, ए और बी देखो, ए और बी देखो कौन से रीजन में आ रहे हैं, 2MP के में, और डी कौन से रीजन में आ रहा है, MP के में, इसी कारण से ए और बी पर 2MP 2MP और डी पर सिर्फ MP, क्लियर हुआ? क्योंकि बेटा फेलियर नहीं माना ना हमने, डिफ्लेक्शन तो अभी भी लोड के नीचे वाले ही लेंगे, अगर एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं ना, अगर आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं तो हमेशा लोड के नीचे वाला ही लेंगे, देख लो इसके अंदर भी तो लोड के नीचे वाला ही लिया है, ये भी तो लोड के नीचे वाला ही है, ये आपके पास यहीं से तो निकाला है वैल्यू, ये Y1 और ये Y है तो ये वैल्यू यहीं से तो निकाला है आपके पास वहां से, ठीक है, tan थीटा 1 Y1 अपॉन में L/3, तो Y1 की वैल्यू ही तो रखी है थीटा 1 इंटू L/3, यहां पर लोड के हमेशा नीचे ही तो लेते हैं, एक्सटर्नल जहां पर आ गया ना आप तो ये याद रखिए वो हमेशा लोड के नीचे ही लिया जाएगा, बेशक से वहां पर मैकेनिज्म बंदी हो या ना बंदी हो, खत्म बात, समझे बात को, एक्सटर्नल तो हमेशा अप्लाइड लोडिंग के कारण से होगा, इंटरनल ही होता है जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है अंदर से, बाकी है और तुम क्या हो तो अभी खत्म कर दे, 5 मिनट का खेल है, प्लास्टिक तो खत्म था पहले, आप क्या हो तो अभी खत्म कर देते हैं, आज आपका स्टील का सिलेबस खत्म होता है, ठीक है, तो हम अगेन नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलेंगे जब आपसे मिलना होगा, तो स्टील खत्म होती है, ठीक है, चलो खत्म, कोड एस्टिमेट बच रहा है ना, एस्टिमेट के पीछे लिखवा देंगे, बात तो वही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये आपके पास बीम है, ठीक है, और ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ से L/3 पर W और यहाँ पे लोड लग रहा है आपके पास W, ये भी L/3 है, पास L/3 है, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, हाँ कल क्लास होगी, कल फ्रेम मैकेनिज्म बच रहा है, वहां से एक क्वेश्चन आता है वो बताना है आपको, न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे फ्रेम का, सिर्फ मैकेनिज्म बताएंगे आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो क्वेश्चन 1.5 घंटे का है, तो वो कन्वेंशन में भी आ जाए, बट कन्वेंशन में भी नहीं कहता कि वो आ जाए, ठीक है, बाकी कन्वेंशन में क्लास तो होगी आपकी, तो आपको क्यों टेंशन लेना, तो प्री के लिए फ्रेम जस्ट थोड़ा सा ही पढ़ना, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, हाँ कल क्लास जरूर होगी, ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम आर्म की बात करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर आपके पास आएगा निकल के 1, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया, प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स, नेमिंग कर दो इनका, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स, आर प्लस 1, तो 1 + 1 = 2, टोटल नंबर ऑफ हिंज बताओ कितने बनेगी, टोटल नंबर ऑफ हिंज बताओ कितने बनेगी, 3, फिक्स अंडर द लोड, अंडर द लोड तो कितनी हो गई, 3, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बताओ,
कितनी बनेगी? दो, क्योंकि टी माइनस आर, तीन माइनस एक कितनी हो गई? दो। लो यहां पे भी दो मैकेनिज्म, मतलब यहां से भी आंसर कितनी जगह से निकलेगा? यहां से भी आंसर आपके पास कितनी जगह से निकलेगा? दो। और उन दो में से अगर मिनिमम आएगा वही आपके पास आंसर होगा, वही आपके पास क्या होगा? आंसर होगा। तो पहला आपके पास जो मैकेनिज्म करना है वो आपको कौन सा करना है? एक करना होगा आपके पास ए बी डी, और एक करना होगा आपके पास ए सी डी। इन दोनों से आपके पास आंसर निकलेगा, ठीक है। अब हम ए बी डी कर रहे हैं, पहले हम पहले कौन सा कर रहे हैं? ए बी डी से, ठीक है। चलो ये आपके पास बन गया बीम, यहां पे लोड है और यहां पे भी लोड है, ठीक है। पर मैं अभी बी पॉइंट पर मार रहा हूं, ये ए है, ये आपके पास बी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। तो ये आपके पास ऐसे और ये आपके पास ऐसे, ये आपके पास हो गया वाई और ये आपके पास क्या हो गया? वाई, ठीक है। चलो ये आपके पास कितना हो गया? थीटा वन। ये भी आपके पास कितना हो गया? थीटा वन। ये आपके पास कितना हो गया? थीटा टू। ये आपके पास कितना हो गया? थीटा टू, ठीक है। लोड कौन सा कंसिडर कर रहे हो अभी? अभी लोड कौन सा कंसिडर कर रहे हो? डब्लू वन, या ये वाला डब्लू है वो वाला डब्लू जो बी पॉइंट पर है? तो किसके पास है? थीटा वन के। तो थीटा वन कितने के इक्वल आएगा? टू थीटा टू के। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं और जिस सपोर्ट के वो पास होगा वो स्लोप ज्यादा मिलेगा इस कंपेयर टू अदर के, क्या सच है? दोबारा चेक कर लेते हैं। जब तुम टेन थीटा वन निकालोगे तो आपके पास क्या लोगे? वाई अपॉन में ये डिस्टेंस क्या है आपके पास? एल बाय थ्री। तो ये आपके पास कितना हो गया? एल बाय थ्री। जब आप टेन थीटा टू निकालोगे तो वही निकालोगे वाई, तो आपके पास क्या लोगे? वाई अपॉन में टू एल बाय थ्री। दोनों से वाई की कॉमन लो तो क्या रखोगे आपके पास? थीटा वन इंटू एल बाय थ्री, और यहाँ पे क्या रखोगे? थीटा टू इंटू टू एल बाय थ्री। तो एल बाय थ्री से ये काट देना, थीटा वन इक्वल टू टू थीटा टू। क्लियर हुआ? नहीं, मेंस का अलग से चार्ज नहीं लगता, जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास एकेडमी के उनका चार्ज नहीं लगता, ऐसा थोड़ा सा लगता है, बहुत मात्र छोट बहुत कम ही लगता है बाकी के कंपेयर में अगर देखें तो, शायद और शायद पता नहीं, नहीं लगता जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, बाकी देख लेना। हाँ, प्री क्लियर करने के बाद उनका नहीं लगता चार्ज। ठीक है, चलो तो एमपी और ये भी कितना होगा आपके पास? एमपी, ठीक है। चार जगह पे कितना होगा? एमपी 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 और एमपी। तो यहां पर आपके पास करते हैं क्या? एमपी इंटू थीटा वन प्लस में एमपी इंटू थीटा वन प्लस में एमपी इंटू थीटा टू प्लस में एमपी इंटू थीटा टू, ओके। और थीटा वन की जगह क्या रखना है? टू थीटा टू, और इस जगह पे भी क्या रख दो? टू थीटा टू। तो दो दो और छः, सिक्स एमपी इंटू थीटा टू, ओके। और एक बार तो आप लोगे डब्लू इंटू वाई, लोगे W into Y1, तो Y की जगह क्या रखोगे? Y की जगह पर ठीक है।
इसका वैल्यू यहां से एल बाय, इसका ले लो वैल्यू ये वाला, तो थीटा वन इंटू एल बाय थ्री, थीटा वन इंटू एल बाय थ्री प्लस में डब्लू। वाई वन तो हमने निकाला ही नहीं, तो वाई वन की वैल्यू यहां से ये भी यहां पे कितने पर है एल बाय थ्री पर, तो थीटा इंटू एल बाय थ्री, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा ये आ जाएगा, तो आपके पास थीटा टू इंटू एल बाय थ्री, सारी वैल्यू थीटा टू के अंदर है, सारी वैल्यू थीटा टू के अंदर है, तो इसको भी यहाँ पर थीटा टू ले लो, थीटा वन कितने के इक्वल है टू थीटा टू के, कर दो इसको सो, करो बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है सर, डी पर जीरो, डी पर जीरो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हिंज सपोर्ट है, ये वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, यहाँ पर दो दो चार और एक पांच ही आएगा, ये कितना निकल के आएगा पांच, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू निकल के कितना आ रहा होगा 5 MP अपॉन में L, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ रहा होगा। हाँ हाँ D पर जीरो होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलो लीजिए ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ और ये नौ, ठीक है। तो कल अगेन आपके पास मिलते हैं, ठीक है, अगेन वही 5 से 7 क्लास रहेगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक और करना है, सेकंड मैकेनिज्म कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो सेकंड मैकेनिज्म कल डिस्कस करेंगे, जब तक अगेन आप ट्राई करिए, कल हम अगेन इसको डिस्कस करेंगे वैसे, ठीक है ना, चलो।